हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार फेरे हो चुके हैं, जैसे मंगलसूत्र पहना दिया गया है, सिंदूर भी लगा दिया गया है। अब आगे देखते हैं, अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, सुख में तथा दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही तो वचन आगे काम आता है। वस्त्र आभूषण और साज सजा में तुम्हारी स्वतंत्रता रहेगी। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। तुम्हारे वाहन में बैठने के अधिकार का कभी परित्याग नहीं करूंगा। हृदय से कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा कि तुम मेरे लिए सुखदायिनी रहोगी। विवाह संपन्न हुआ। ले भाई, आज देखो माता पिता जी यानी कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी कितने खुश हैं। आज इनके एक घंटे की शादी होती है, कभी इनकी भी शादी नहीं हुई थी भगवान शिव और इनकी भी हुई थी। हाँ इनकी होगी आज, इनके बच्चों की भी। वाह क्या प्रभु, अब रुखसती होगी। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है। क्या? समंजन की शुभ विधि आपके ही शुभ हाथों द्वारा हो। समंजन मतलब रुखसती? तो प्रभु आप जगत पिता हैं, आपके शुभ हाथों द्वारा किया गया ये कृत्य इनके दाम्पत्य जीवन को चिरकाल तक सुखमय बनाए रखेगा। ये फोटो बड़ा प्यारा लग रहा है यार। आगे दो बहने भगवान जी भी और पीछे माता पिता जी पुत्र जी। आज क्या पता हमें सर देखकर भी देखे क्या जी? इस तरह भी हो इस तरह हम लोग देख रहे हैं। हाँ वही ना। अरे वो ढूंढने की रस्म, अंगूठी डालते हैं तो वो ढूंढने की रस्म आई थिंक हो रही है। बुद्धि अंगूठी तो हमें ही मिलने वाली है, लेकिन इसमें लड़के को जीतना चाहिए होता है वरना काम खराब हो जाए। तो ये सीधी बुद्धि क्योंकि हाँ। ये दोनों एक तरफ हाँ। ये तो अन्याय है। इसलिए मुझे भी अपने दोनों हाथ का प्रयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि उधर चार हाथ हैं, नहीं उधर दो हाथ हैं। गणेश का कहना उचित है, नियम जो है वो है। हाँ नियम मान्य है तो खेलिए,
अन्यथा हार हमें तो आपकी पराजय स्वीकार है। सही मिली है इनको। दूसरों की पराजय स्वीकार करने में महानता नहीं है देवी। मैं आपको आपकी पराजय स्वीकार करने का अवसर दूंगा, वो भी एक हाथ से खेलकर। तो अब खेल आराम किया जाए। भाई ये तो दो है ना, सारी बात तो अपनी दो, एक एक आप इनको तो दो के। दो सीधी बोली जी, ये बेस्ट ऑफ लक। ओ ओ वही है वो। हाँ बोल। आइए कुछ क्या दें। ओ ओ हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा भगवान चले जी। आपको लज्जा नहीं आती? लज्जा पत्नी भी आते हैं। सबके सामने हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, छोड़िए। अरे मैं लज्जा कैसी, अब आप तो वाइफ हैं। ओहो दूसरी का मुंह पकड़ लिया। छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना। अरे 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 भगवान शिव जी ने गणेश जी ने चल किया। अरे यार ये देखिए, ये भगवान गणेश जी के साथ खेले, हाथ पकड़ के उठा है, देख वरना वो जीत जाती। गणेश ने अंगूठी दूर निकाली। पार्वती नंदन विजयी हुए। मिट्टी के साथ ऐसी युक्ति। सिद्धि के साथ और सिद्धि के समक्ष ऐसी लीला। भगवान हारी पड़ेगी। सारी सिद्धियाँ आपकी और सारी बुद्धि भी आपकी, किंतु सिद्धि और बुद्धि अब मेरी है। भगवान गणेश जी की लीला अपरंपार है। ओ भाई कह रही हाँ, हमें आपकी पराजय स्वीकार है। इनका नहीं पता भगवान ने कल्याण हो पुत्र। प्रभु आपकी उपस्थिति में ज्ञान सभा का आयोजन करने की मेरी हार्दिक इच्छा थी। ओ, फिर ज्ञान? आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसकी अध्यक्षता करें। आज का यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रजापति विश्वरूप। जीवन का पहला पड़ाव पार कर। ओहो मजा आ गया यार, ये अंगूठी वाली। भगवान गणेश जी ने लीला रची अपनी। ओए होए मजा यार, भगवान गणेश जी ने मुझे वो दोनों सिद्धि बुद्धि क्या कहती है, हमें आपकी पराजय स्वीकार है। भगवान गणेश जी कहता है ये तो यार आपके दो हाथ तो मेरे भी दो हाथ होने चाहिए। लेकिन भगवान गणेश जी ने क्या खेला, अंदर हाथ दोनों के पकड़ा और अंगूठी निकाली है लीला। ओ भाई साहब, वैसे यार देव क्या भाई, सिद्धि बुद्धि तो दोनों आप ही की है यार। क्या खेला वैसे भगवान गणेश जी ने यार, यहाँ पे हंसा दिया भगवान गणेश जी ने। मतलब क्या करते हैं बंदे को हंसा देते हैं यार, इनकी लीला अपरंपार है। कसम से बड़े नॉटी नॉटी हैं यार ये। अभी भी वैसे है, कुछ कुछ काम कर देते हैं कि अगले को हंसा देते हैं। कसम से यार, हालांकि की देखो हो सकता है वो दोनों जीत जाती हैं, क्योंकि उन दोनों के हाथ दो हाथ थे ना और इनका एक हाथ था। लेकिन भाई ऐसा हो सकता है भगवान गणेश जी, और यहीं से तुझे पता है आज भी लड़के को लाजमी जीतना होता है, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश जी भी जीते हैं। तो यही रस्म चलती हुई आ रही है कि लड़के को अगर लड़की जीत जाए तो ये पता है, फिर लड़के को थोड़ा सा जो ना वो होता है कि यार लड़कियां जीतती हैं, इसमें थोड़ा सही है, शर्म आती है। शर्म तो आती है, तेरी बात बिल्कुल सही है, तू भी सही। मजा आ गया लेकिन मजा आया यार। और फिर भाई आशीर्वाद जाके भगवान शिव जी से लिया,
भगवान गणेश जी ने। लेकिन अब ये आगे देखेंगे, अभी आगे विश्व रूप जी ने भी कहा है कि ज्ञान मैं आपके तरीके से ज्ञान लगता है आगे फिर भगवान शिव जी ज्ञान देने वाले हैं। यार भगवान शिव जी जितना ज्ञान देते हैं वो उतना काम है और मजा आता है सुन के वाक्यों में। वाक्यों में यार मजा आ गया। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो